तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। स्वागत है आपका फिर से हमारे पावर क्वेरी के इस ट्यूटोरियल में। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने टेक्स्ट फंक्शंस और डेट फंक्शंस कंप्लीट कर लिया है, नंबर फंक्शंस चल रहा है। इस वीडियो में नंबर फंक्शंस की कुछ और डिटेल्स देखते हैं, कुछ और नए नंबर फंक्शंस को देखते हैं, उसका कैसे आपको यूज़ करना है उसको समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले नज़र मारते हैं अपने डेटा पे। ये देखिए, एक छोटा सा डेटा है हमारे पास। प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, सेल्स है 2021 की, 2022 की, और यहाँ पर कुछ प्रॉफिट का डेटा रखा हुआ है। इस डेटा को लेके चलते हैं हम पावर क्वेरी पे और अप्लाई करते हैं कुछ सिंपल फंक्शंस, जैसे सम होता है, एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज। इनको कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरीके से वहाँ लगाना है पावर क्वेरी के अंदर, उसको एक बार देखते हैं। उसको क्लिक किया, डेटा ले जाना अब आप लोग सीख चुके हैं, मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ। डेटा क्लिक किया और ये पूरा का पूरा टैब पावर क्वेरी का है। इस पावर क्वेरी में हमको अभी, हम आगे चल के हम बाकी चीज़ें भी करेंगे, बट अभी हम टेबल रेंज से लेके जा रहे हैं। हर बार हमें क्लिक कर रहे हैं कि जब एक्सेल में ही आपका डेटा हो तो आप उसको क्लिक कर देंगे। इसको मैंने क्लिक किया, उसने डेटा सेलेक्ट कर लिया है और बोल रहा है कि टेबल हैज़ हेडर्स, ओके किया, उसने ले लिया। डेटा आपका पहुंच गया पावर क्वेरी के अंदर, पावर क्वेरी के अंदर पहुंच गया है। टेबल 6 नाम रख लिया है, नाम मैंने बताया, आप लोग चेंज करते रह सकते हैं अपनी पावर क्वेरी को जैसा आप बता रहे हैं। नंबर फंक्शंस में लिख सकता हूं नंबर फंक्शंस, तो ये पावर क्वेरी का नाम यहां पर आप लोग देते हैं, इससे नाम आपका चेंज हो जाता है। पहला स्टेप आपका चेंज टाइप होता है जनरली, वो देखिए वो पावर क्वेरी ने कर दिया है। अब हम लोग समझते हैं कि देखिए, डेटा आपका यहाँ पर आ चुका है और हम कुछ फंक्शंस इसमें लगाना चाहते हैं। अब मान लीजिए 2021 और 2022 का सेल्स है और आप इन दोनों सेल्स को ऐड करना चाहते हैं, तो आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, दोनों को सेलेक्ट कर लिया, और जैसा कि मैंने बताया ट्रांसफॉर्म करके रिजल्ट अगर इसमें चाहिए तो यहीं पर देगा। ऐड कॉलम आप करेंगे तो नया कॉलम ऐड करके देगा। अब यहाँ पर हमने इंफॉर्मेशन वाला जो पोर्शन था, इसके अंदर से हमने कुछ फंक्शनैलिटीज़ देख ली थी, राउंडिंग के अंदर से भी हमने कुछ फंक्शनैलिटीज़ देख ली थी। यहाँ पर स्टैंडर्ड में जब आप आएंगे तो देखिए ऐड कह रहा है, और हमने एक ऐड कॉलम बोला और उसके अंदर ऐड फंक्शनैलिटीज़ दो कॉलम हमने चुन लिया है। हम इस पर ऐड क्लिक करेंगे तो देखिए इसने क्या किया, इसने दोनों साल की सेल्स को इमीडिएटली ऐड कर दिया इसमें से, राइट। सेम हम दोनों को सेलेक्ट करते हैं, हमें देखना है कि दोनों में हमारी सेल में कितनी ग्रोथ हुई है दो साल में, एंड वी वॉन्ट टू सी द डिफरेंस। तो हमने बोला सब्सट्रैक्ट कर दो, तो अब सब्सट्रैक्ट करने में उसने देखिए पहले डेटा से दूसरे डेटा को माइनस कर दिया। तो जहाँ पे हमारा ग्रोथ सेल पिछले साल 2022 में बढ़ी है, और यहाँ पे देखिए 21-22 है, 21-22 क्योंकि जिस सीक्वेंस में हमने सेलेक्ट किया था, राइट, उस सीक्वेंस में उसने डेटा को लिया है। अभी मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और फिर इसको सेलेक्ट करता हूँ, और अगेन मैंने स्टैंड पे गया एंड आई विल से सब्सट्रैक्ट। अब ये देखिए इसमें ये माइनस दिखा रहा है और इसमें ये प्लस दिखा रहा है, तो किस सीक्वेंस में आप उस डेटा को चूज़ करते हैं जिसको माइनस करना है उस पे भी ये डिपेंड करेगा। मैंने 2022 का डेटा पहले लिया, माइनस 2021 किया, तो उसने 705 में से 905 को घटाया। जब मैंने 21 का डेटा पहले चूज़ किया था और बाद में मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो उसने 905 में से 750 में से 705 को माइनस किया, राइट। तो इस तरीके से देखिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन आपने देखा। इनको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि हम और फंक्शंस को देख सकें। आई जस्ट गो हियर होम टैब पे और हम लोग डिलीट रिमूव कॉलम्स को क्लिक कर देंगे, रिमूव कॉलम्स को क्लिक करेंगे और ये कॉलम्स यहाँ पर हट गया और ये हमारे पास दो डेटा मौजूद है। फिर से हम जाते हैं आपके ऐड कॉलम्स वाले टैब में, ऐड कॉलम्स वाले टैब में जाके, और देखिए ये स्टैंडर्ड और ये मल्टीप्लाई, हमने ऐड और सब्सट्रैक्ट देख लिया, इसके अंदर ही देखिए मल्टीप्लाई है और डिवाइड है, राइट। अब अगर मैं कोई दो कॉलम्स चूज कर लेता हूँ तो वो उनको आपस में डिवाइड कर देगा, राइट। लाइक अगर मैं ये जो 2021 का प्रॉफिट है और 2021 के सेल हैं, अगर मैं प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल कर दूँ तो ये प्रॉफिट रेशियोज निकल आएंगे हमारे इस कंपनी के, प्रॉफिट रेशियोज निकल आएंगे। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इसको सेलेक्ट किया, गलत सिलेक्शन हो गया है मेरा, मेरे को कंट्रोल प्रेस करना है तब ये जाके देखिए सेलेक्ट हुआ, राइट। और हमने स्टैंडर्ड में जाके और हमने इसको बोला कि आप डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये देखिए इसने डिवाइड करके ये वैल्यूज निकाल दी। कह रहा है कि ये पहले साल वॉशिंग सोप्स का जो प्रॉफिटेबिलिटी है या प्रॉफिट रेशियो है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स अगर अपन करें 2021 का, तो वो 0.244 करीब 25%, 24.4% प्रॉफिट आपको निकल के आया है। अब इसको अगर आपको इसका नंबर टाइप चेंज करना है, आप यहाँ जाके इजीली आप परसेंटेज को क्लिक कर देंगे तो ये देखिए परसेंटेज में 24.42% आ गया, और यहाँ जाके आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। यू कैन जस्ट गिव इट नेम ऑफ प्रॉफिट रेशियो
प्रॉफिट परसेंटेज या प्रॉफिट रेशियो, जो भी आप लिखना चाहें, जिससे आपकी ऑडियंस प्रॉपरली इस डेटा को समझ पा रही है, वो प्रॉफिट परसेंटेज आपका निकल गया, आपने उसको डिवाइड किया। तो अब इसमें मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ कि जैसे मैंने ये कॉलम रखा है और इसी में जाता हूँ मैं, और ये देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है डिवाइड इंटीजर। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये कहता है कि एंटर ए नंबर बाय विच टू इंटीजर डिवाइड ईच वैल्यू इन द कॉलम। ये पूरे कॉलम की जो सेल्स की वैल्यूज़ है, अगर मैं इसको किसी इंटीजर से डिवाइड करना चाहता हूँ, लाइक सपोज मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मैं इसको आधा कर दूँ, डिवाइडेड बाई टू कर दूँ, तो क्या रिजल्ट्स आएंगे सारे प्रोडक्ट्स की सेल को, और मैं ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए इसने क्या किया, 950 डिवाइडेड बाई टू, हर एक को इसने एक गिवन नंबर से डिवाइड कर दिया। जब मैंने कॉलम सेलेक्ट किया था तो उसने कॉलम्स में डिवीजन किया था, और यहाँ पे जब मैंने इसको इंटीजर दिया तो उसने इंटीजर में डिवीजन किया। सिमिलरली स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स में अगर आप और देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर एक मल्टीप्लाई का भी ऑप्शन है। ये देखिए मैंने इसको चूज़ किया, इस कॉलम को चूज़ कर लिया। इससे पहले मैं इंटीजर डिवीजन को हटा देता हूँ, परसेंटेज को भी हटा देता हूँ, ताकि हमें थोड़ी सी जगह मिल जाए और हम बाकी फंक्शंस को देख सकें। वी गो टू होम, वी गो टू रिमूव कॉलम्स, एंड वी जस्ट क्लिक ऑन रिमूव कॉलम्स, और वो चले गया, राइट। अभी ये सेल्स दिया है 21-22 का, और मैं फिर से ऐड कॉलम्स वाले में जाके, एंड देन आई गो टू स्टैंडर्ड एंड आई क्लिक ऑन मल्टीप्लाई, राइट। नाउ इट इज़ आस्किंग कि आप नंबर बताइए जिससे आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। अभी सारी चीज़ों को सपोज मैं 3 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, एंड आई विल से ओके। तो ये देखिए मैंने बहुत आसानी से सारी कॉलम्स, अब यहाँ पे डेटा छोटा सा है, इसमें आप लाखों डेटा ला सकते हैं, और उसको एक सेकंड में आप एक कमांड के अंदर आप मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, जिससे भी आप करना चाहते हैं। कोई फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट चूज देयर, गिव द नंबर एंड इट इज़ डन, राइट। उसके बाद अगर मैं और इसमें देखना चाहूँ तो परसेंटेज और मॉड्यूलो हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। अभी मैं इस डेटा को आपको देखना है, तो मैं इसको फिर कैसे आप वापस ले जाते हैं वो आपको मालूम है, फिर भी मैं इसको करता चलूंगा। यहाँ पर गए, क्लोज एंड लोड टू में गए, क्लोज एंड लोड टू करेंगे तो आप वापस ये फाइल में आता है और पूछता है कि मैं नई वर्कशीट में लोड करूँ या एग्जिस्टिंग में। मैंने एग्जिस्टिंग चूज किया, सेल बताया, ओके किया, और ये आपका डेटा यहाँ पर आ गया। मैंने इसको क्लोज किया और ये क्वेरी आपकी आ गई है। ग्रीन में आउटपुट आता है, ब्लू में आपका इनपुट कन्वर्ट हो जाता है, टेबल ब्लू में कन्वर्ट हो जाती है। जब पावर क्वेरी का आउटपुट आता है हमेशा ग्रीन में आता है, और ये देखिए जो भी नंबर्स हैं वो यहाँ पर आपके ये नंबर्स आ गए हैं ये, और यू कैन यूज़ दिस टेबल इन डिफरेंट वे। आप यहाँ पे इनपुट में जैसा मैंने पहले भी बताया नंबर्स डालेंगे तो वो ऑटो अपडेट ले लेगा और आपके आउटपुट को चेंज कर देगा। सो फ्रेंड्स, इस सेक्शन में यहाँ पर ही रुकते हैं, अगले सेशन में मिलते हैं और सीखते हैं नंबर फंक्शंस के कुछ और इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फंक्शनैलिटीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।